मतलब है मोमडन, लेकिन ये है जमात वाले, लेकिन ये बाहर के लोग नहीं, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, ये इंडोनेशिया के, ये नहीं थे, और मुस्लिम जमात के लोग थे। दिल्ली में हुए तबलीगी जमात की इस हरकत के बाद देश सन्न है। ये जो आपने वीडियो देखी, ये दिल्ली की उस नर्स की है जिसके साथ जमातियों ने बदतमीजी की थी। वो बता रही है कि कैसे उनके साथ इन जमातियों ने बदसलूकी की और उनके कपड़े फाड़ दिए। आप भी सुनिए इस महिला डॉक्टर की ये बात। वो खाना ठंडा था, ठंडे खाने के ऊपर उन्होंने बोला कि पहले ये खाना आप खाओ फिर मुझे खिलाओगे। तो मैंने किसी तरह से, वो मेरे को मतलब दबोचना चाहा, कम से कम 15-20 लोग थे, मैंने गाड़ी फेंक कर मैंने अपने आप को भागी, तो इन्होंने मेरी किट पकड़ के फाड़ दी। ये किट है, इसे फाड़ दी पीछे से। आगे वो बताती हैं कि उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उन्होंने इसकी कंप्लेन सीएमओ को भी की है। मैंने सीएमओ को भी दी है और मैंने बस सब भी करी जैसे अपने ग्रुप में। वो मान नहीं रहे थे, कहने लगे कि बहुत गंदा बिहेवियर है उनका, लेकिन जो बाहर के लोग हैं इनका नहीं है। इस नर्स की बात सुनकर आप सोच सकते हैं कि ये जमाती किस हद तक गिर चुके हैं। खाने को लेकर इस नर्स के साथ मारपीट की, उसके कपड़े तक फाड़ दिए। वो नर्स जो इनके सेवा में अपना घर छोड़कर लगी हुई है, उनके साथ इन्होंने ऐसा सलूक किया। ये हैवानियत नहीं तो और क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सब हो जाने के बाद भी ये महिला डॉक्टर इन जमातियों की सेवा कर रही है, उनका ख्याल रख रही है। निजामुद्दीन से निकाले गए इन जमातियों को सुल्तानपुर के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। यहाँ इनका रेगुलर चेकअप होता है। इतना ही नहीं, इस नर्स ने आगे और कई खुलासे किए और वो इस देश को बताना चाहती है। इस नर्स का नाम आशा है, ये LAGP हॉस्पिटल के मेडिसिन वार्ड में काम करती है। आशा ने बताया कि 18 अप्रैल को ये तबलीगी जमात के लोगों को खाना देने गई थी और तभी उनकी गर्दन पकड़कर उस थाली में धकेल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आशा की PPE किट को भी फाड़ दिया। आशा ने बताया कि तबलीगी जमात के लोग एक साथ बैठकर हॉस्पिटल में नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और ज़मीन पर बिस्तर डालकर आसपास सोते हैं। सवाल ये आता है कि इनका आखिर क्या कसूर है? क्या इनका कसूर ये है कि ये तबलीगी जमात के लोगों की सेवा कर रही हैं और वो कहती हैं कि वो मरते दम तक सेवा करेंगी, ये चाहे फिर उसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। अभी भी जगह जगह से ये तबलीगी जमात के लोग पकड़े जा रहे हैं और इनमें से ज़्यादा लोग बाद में कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इस इल्ज़ाम में आज जेल भेजा गया। सिर्फ उनको ही नहीं, इनके साथ 19 जमातियों को भी जेल भेजा गया है। फिर से यही सवाल आता है कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएं, प्रशासन को, जमातियों को, क्योंकि देश के हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। अब तक भारत में 700 लोगों की मौत हो गई है और 19,000 से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से 3,870 लोग ठीक हो चुके हैं। WHO के चीफ ने कहा है कि बुरा वक्त अभी टला नहीं है। इस वक्त दुनिया में करीब 25,27,000 मरीज हो गए हैं, जिनमें से 1,74,000 लोगों की मौत हुई है। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है। अगर आप चाहते हैं कि भारत में 3 मई के बाद लॉकडाउन ना बढ़े, तो आप भी लॉकडाउन का पालन करें और दूसरों से भी लॉकडाउन का पालन करने को कहें और घर में रहें और सेफ रहें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।